नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा नैनीताल का एक स्पष्ट मंडल आज मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला से मिला, जहां उन्होंने ज्ञापन देते हुए भगवान चित्रगुप्त महाराज की स्थापना के लिए पार्क उपलब्ध कराने की मांग की। महासभा से जुड़े लोगों ने कहा कि हल्द्वानी शहर में पार्क बन जाने से समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की तैयारी पूर्ण रूप से की जा सकेगी। बता दें, पार्क को भव्य बनाया जाएगा, जो कि शहर के लिए एक मिसाल साबित होगा। वहीं मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने आश्वासन दिया है कि वो आगामी कार्यप्रणाली बैठक में इस पर चर्चा कर एक पार्क अनुमोदित करेंगे, ताकि शहर वासियों के लिए एक अच्छा संदेश जाए और समाज से जुड़े लोगों के तमाम कार्यक्रमों और अनुष्ठानों के लिए एक पर्याप्त जगह मिल सके। मैं संध्या सक्सेना, नगर अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ समाज की तरफ से आई हूँ, और मैं मेयर साहब से यही रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि जो हमारे पूर्वज हैं श्री चित्रगुप्त जी महाराज जी, एक्चुअली बहुत से कायस्थ लोग उनको मान्य नहीं देते हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग एक पार्क को गोद लेना चाहते हैं। देखिए, कायस्थ महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल आकर मुझसे मिला। उनके द्वारा भगवान चित्रगुप्त जी के संबंध में अपना विषय रखा गया। उनके द्वारा एक पार्क की आवश्यकता, जिसका वो देख रेख करेंगे, अनुसरण करेंगे, और उस पार्क का नाम भगवान चित्रगुप्त रखने की उन्होंने यहाँ पर निवेदन किया। द्वारा एक जो ज्ञापन हमारे नगर निगम मेयर को दिया गया था, जहाँ उनसे मांग की गई थी भगवान चित्रगुप्त महाराज की स्थापना, मूर्ति की स्थापना के लिए एक जो पार्क हमको उपलब्ध कराया, जिसमें जो है महिला नगर और नगर इकाई नैनीताल इकाई पूरी तरह उपस्थित रही थी। सबसे बड़ी बात है, मेयर साहब ने हमको आश्वासन दिया, उन्होंने कहा जल्द ही एक पार्क जो है आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें भगवान चित्रगुप्त महाराज की स्थापना होगी। हमने आज जो मेयर साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें हम एक पार्क गोद लेने के लिए हमने उनसे अपील की है कि हमें एक पार्क दे दें, जिसमें हम अपने भगवान चित्रगुप्त महाराज जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे, और कायस्थ परिवार के जितने भी कायस्थ हमारे बिरादरी के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, वो उसी में ही करेंगे। ये थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।